वो बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं तो पैसे का मनोविज्ञान मनी इज समथिंग दो हम जितना मर्जी उससे दूर भागना चाहें हम भाग नहीं सकते हैं hmm. हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा hmm. पैसा hmm. आता है और पैसे में इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं दोस्तों hmm. नहीं समझ में आता है कि अल्टीमेटली पैसा कमा के उसको यूज कहाविंग करें पहले सेविंग करें या पहले डिप्लॉय करें स्पेंड करें या ना करें तो दिस इज मोर ऑफ आर साइकोलॉजी कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं हम okay. किस तरह की कि उसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं पैसे को एंड वेन यू टॉक अबाउट इमोशंस इमोशंस आर समथिंग विच आर कॉमन एनी वन एंड एवरी वन सो इवन इफ यू आर रिस्क टेकिंग और रिस्क एवर्स इमोशन स्ट्रेटेजी में आपको हेल्प करेंगे hmm. और डिस्ट्रॉय कर तो थीम पांच थीम्स है पहली थीम है वेल्थ वर्सेस रिचेस वेल्थ वर्सेज रिचेस रिचेस या वेल्थ वर्सेस रिच ओके तो सुनने में तो विनित बिल्कुल सेम लगता है वेल्थ और रिच एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैंने कहा था ना कि ये किताब बहुत जगह काउंटर इंट्यूटिव होने वाली है तो देखिए हमें सबसे ये सिमेंटिक्स नहीं है ये सिर्फ बातों की बात नहीं है इनमें फर्क है ठीक है तो रिच होना क्या है और वेल्दी होना क्या है ये दोनों एक नहीं है सबसे पहले हमें यह समझना है रिच होने का मतलब है आपकी इनकम बहुत हाई है या आप ऐसे स्टेट में हैं जहां इनफ्लो ऑफ मनी बहुत अच्छा है रेगुलर है तो वो है रिच होना वेरस वेल्दी होने का मतलब है आपके पास जो पैसे पड़े हैं राइट आपके पास जो वेल्थ है जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपने अचीव किया है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने अचीव की है वो है बीइंग वेल्दी तो आप इसे ऐसे समझें कि मेरी एक तीन लाख रुपए महीने की जॉब है तो शायद बहुत लोगों के स्टैंडर्ड से मैं रिच हूँ लेकिन मैं अगर तीन लाख कमाता हूँ और तीन लाख से ऊपर या ढाई लाख पौने तीन लाख रुपया खर्च कर देता हूँ और बहुत ही नाम मात्र की सेविंग होती है मेरी तो मैं दस साल के बाद भी जब रिटायर होऊंगा तो शायद मेरे पास कोई वेल्थ नहीं होगा मैं उसे पास ऑन नहीं कर सकता नेक्स्ट जेनरेशन को तो अगर जब फ्लो ऑफ मनी की बात करें तो वो है रिच होना और जो ऐसे कह दें कि जो जमा पूंजी है आपकी वो चाहे शेयर्स में हो चाहे म्यूचुअल फंड में हो चाहे रियल एस्टेट में हो चाहे कहीं भी हो वो है आपका वेल्थ सो कैन बी सेफली से अ वेल्दी मैन विल ऑलवेज बी रिच a rich man probably प्रॉबेबली नीड टू वर्क हार टू बी वेल्दी absolutely. एप्सोल्यूटली अगर आप वेल्दी हैं आप जैसे कहते हैं रहीस हैं आपके पास एक संपत्ति है राइट तो आप उस संपत्ति को अपने नॉर्मल डे टू डे खर्चे के लिए भी यूज कर सकते हैं या उससे इनकम जनरेट करके आप यूज़ कर सकते हैं तो आपकी एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो कि पैसिव इनकम जिसे हम कहते हैं वो क्रिएट हो सकती है थ्रू द वेल्थ बट अगर आप सिर्फ रिच है तो और आप पैसे नहीं बचा रहे हैं तो आप शायद कभी भी वेल्दी नहीं होंगे कितना कितना पॉइंट पॉइंट बोला बोला है कितना बोला है ज़्यादा विनीत ने दोस्तों कि अगर आपकी एक अच्छी जॉब एक अच्छी इनकम है इसका मतलब यह नहीं है कि आपने मनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है आपको उसको और अच्छे से मैनेज करना जरूरी है सो दैट so आप वेल्दी वाले पोडियम को भी पार कर सके एंड देन पॉसिबली यूल गेट इन टू दैट पैसि इनकम पुनीत एक बार प्लीज़ सबके फेवर के लिए एक बार प्लीज़ समझाइए पैसि इनकम और एक्टिव इनकम के अंदर इन डिफेंड पुनीत हमें ना सबसे पहले ये समझना है कि इनकम के सोर्सेस मेजरली हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से एक्टिव एज द वर्ड साउंड एक्टिव मतलब जब हम कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं किसी एक्टिविटी में हमारे इन्वॉल्व होने से जो इनकम आ रही है वो है एक्टिव इनकम जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको सैलरी नहीं आनी तो सैलरी इनकम हो गया राइट right? इसी तरीके से अगर आप ऑथर हैं आप किताब लिख रहे हैं पैसे आ रहे हैं आप मजदूर हैं तो आप लेबर कर रहे हैं आपको वेजेस मिल रही हैं तो ये सब एक्टिव इनकम है पैसिव इनकम वो है जो आपने कुछ एसेट्स क्रिएट किए और उन एसेट्स से जो इनकम जनरेट हो रही है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे आप सो रहे हैं और आपके एसेट्स आपके लिए इनकम अर्न कर रहे हैं वो होती है पैसिव इनकम फॉर एग्जाम्पल आपने एक दुकान ली और उसे भाड़े पे चढ़ा दिया आपको रेंट मिल रहा है राइट right? वो जो किराया आपको मिल रहा है वो पार्ट ऑफ योर पैसिव इनकम है बहुत बढ़िया तो दोस्तों अगर आप कुछ काम करते हो और आप कुछ पैसा कमाते हो उसको कहते हैं एक्टिव इनकम जब आपका पैसा आपके लिए पैसा बना के देता है Absolutely. उसको हम कहते हैं पैसिव इनकम ये बहुत अच्छा आपने जोड़ दिया जब पैसा पैसा कमा के देता है तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम और जब पैसिव इनकम जनरेट होती है तो जो इनकम है उस पर जब इनकम जनरेट होने लगती है उसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट वाव राइट तो जब पैसा पैसा कमा के दे रहा है तो सिंपल ब्याज मिल रहा है रेंट उसे आप खर्च कर दे रहे हैं वो बात खत्म हो जा रही है आप सोच के देखें अगर पैसा पैसा कमा के दे रहा है और आप उसे खर्च नहीं कर रहे तो वो जो पैसा एक्स्ट्रा बना वो भी आपको पैसा कमा के देगा तो पैसिव इनकम गेट्स कंपाउंडेड और ये जो कंपाउंडिंग है इसे कहते हैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट करता है एक टाइम के बाद तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रियली really वेल्दी होने के लिए ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ये आना है और ये आने के लिए पहले आपको पैसिव इनकम क्रिएट करनी है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम क्रिएट करनी है उन स्ट्रीम्स में से जो पैसा आ रहा है उसे जितना कम हो सके यूज करें और उसे उस पैसे को और आपके लिए पैसा कमाने दें तो कंपाउंडिंग होगा वहां आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और आप शायद एक पॉइंट के बाद जो इस किताब में बार बार लिखा गया है कि वो जो रिटर्न है वो लॉजिक डिफाइन मतलब आप एक पॉइंट के बाद सोच भी नहीं सकेंगे कि इतने पैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं सो so, uh, दोस्तों कंपाउंडिंग वाली चीज मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत बार सुनी है बहुत सारे टीवीज में सुनी है बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पुट करना चाहूंगा एंड कंपाउंडिंग इज समथिंग विच इज वेरी यूनिवर्सल अगर आपको कोई भी चीज कोई भी चीज में

गुना, अगर एक परसेंट कंपाउंड करते हैं सिर्फ हम पुनित बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई ये बात से इंडिया में चेस का की जात हुई इन्वेंशन इंडिया में हुई तो एक वजीर था राजा का मंत्री कह सकते हैं तो उसने कहा कि मुझे उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया राजा ने कहा कि बोलो क्या इनाम चाहिए तो उसने बोला आप कुछ ज्यादा नहीं चाहिए आप मुझे ये चेस है इसके हर एक खाने पे पहले खाने पे एक चावल का दाना दूसरे पे उसके डबल दो तीसरे पे चार और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते चौसठ खानों में जितना हो सके उतना आप मुझे दे दीजिए तो उसने कहा अरे यार इतना बड़ा काम किया क्या थोड़े बहुत चावल के दाने मांग रहे हैं चेस पे कितने ही दाने आ सकते हैं तो उसने कहा जाओ ले लो जो हमारे यू नो जो ग्रैनरीज होती थी जहाँ पे सारे गेहूँ चावल रखे जाते थे तो फिर बाकी लोगों ने हिसाब लगाना स्टार्ट किया और जो हिसाब निकल के आया मैं आपको बताता हूं माइंड बॉगलिंग है वो आज जो हमारे विश्व की पूरे ग्रेन्स की प्रोडक्शन है उसका 1600 गुना पूरे विश्व की एक साल की प्रोडक्शन का 1600 गुना अगर आप करते हैं 1600 टाइम्स उतना उस इस कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। विश्व की प्रोडक्शन यूनिवर्सन सेवन 730 बिलियन टंस होती हैं पूरे विश्व की उसका 1600 टाइम्स 1600 1600 टाइम्स wow. चावल आएंगे सिर्फ उसके तो अब कंपाउंडिंग को हमारा जो दिमाग है ना वो लीनियर थॉट प्रोसेस को समझ पाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम डिसाइफर नहीं कर पाते समझ नहीं पाते इसलिए क्या होता है इस कंपाउंडिंग को हम समझ नहीं पाते हमारा दिमाग ऐसे सोचता है लीनियर जबकि कंपाउंडिंग जो होती है वो इस तरह से होती है एक्सपोनेंशियल, राइट? Right? जो मैथमेटिक्स समझते हैं, वो इस बात को अच्छे समझ सकते हैं लेकिन जो बाकी नहीं समझते उनको हमारी ये मामले में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते so, इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल और देना चाहूंगा जब तक आपको जरूरत नहीं है पैसे की हुँ. तब तक आपको उस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकालना चाहिए ज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग दैट मीनस की अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पीपीएफ इज दी वन ऑफ दस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है हम सभी लोगों ने कभी ना कभी खुलवाया हुआ होगा और कॉन्टिन्यू किया होगा सो इंटेंशन इज दिस जितना लंबा आप किसी भी सेविंग uh, को कॉन्टिन्यू कर सकते हो उतना ज्यादा आप उसके बेनिफिट स्वीप कर पाएंगे एकदम सही इंटेंट पुनित एकदम सही है लेकिन इसमें अब एक बात है जो हमारी यहाँ की बात भी है एक, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है कि नोवन इज क्रेजी मैं अपनी ही बात करूं जो आपने अभी की वो exactly आज मेरी है कि लंबा हो तो आपके पैसे रहेंगे और वो ग्रो करते जाएंगे Compounding राइट? आप psychologically कभी stress में आप कभी भी हैं तो उस पैसे को आप ना विदड्रॉ कर सकें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालिए जैसे एनपीएस है जो सिर्फ रिटायरमेंट पे आपको पैसे लेने देगा या पीपीएफ है जो पंद्रह साल के लॉक इन है बट यही मैं दस साल पहले बहुत अलग था मुझे लगता था ये लॉक इन क्यों लॉक इन और वो भी एक ऐसे जिसमें जिसमें सा आठ साढ़े आठ परसेंट रिटर्न आ रहा है इससे अच्छा रिटर्न तो मैं खुद ही जनरेट कर लूंगा लॉक इन क्यू अब जो चैप्टर जो मैं आपको बोलने वाला था जो रिलेटेड है इससे कि नो वन इज क्रेजी मैं उस समय भी क्रेजी नहीं था आज भी क्रेजी नहीं हूँ या जो भी जो भी सोचता है उसके सरकमस्टांसेस जो हैं उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसलिए सबके डिसीजन अलग अलग होते हैं लेकिन हमें जो समझना है वो ये है कि ये रिलेशनशिप को पूरी तरह से समझे सिर्फ जो मैं सोच रहा हूं वो सही ही है ये मान के ना बैठ जाएं तो मैं शायद उस समय से आज तक चेंज नहीं होता अगर मैं ये गांठ बांध के बैठ जाता कि मैंने जो सोचा है वो तो एकदम लॉजिकल है रैशनल है कि भाई आठ परसेंट पे मैं लॉक इन कर लूँ पंद्रह साल वनस्पत मैं खुद चौदह पंद्रह शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके कमा सकता हूं तो शायद मैं ये आठ परसेंट में कभी भी नहीं करता पर मैं कर रहा हूँ और उसका लॉजिक आज मुझे समझ में आता है तो कहने का मतलब हमें जटिल नहीं होना है हमें सरल होना है सीखना है समझना है तो मैं जो समझ पाया आ, आल, 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 पुट इट क्रॉस आपके जो भी डिसीजंस होते हैं वो आपके कई बार हालात गवर्न करते हैं आपकी नॉलेज गवर्न करती है आपके परवरिश गवर्न करती है आपका सराउंडिंग गवर्न करता है अब उस टाइम पे जो भी डिसीजन लेते हैं शायद वो बहुत सोच समझ के लेते mm. हैं और वो उस समय के हिसाब से हो सकता है सही भी हो एकदम लेकिन चेंज ओनली कॉन्स्टेंट थिंग परिवर्तन ही संसार का नियम है Absolutely. तो बहुत ज्यादा जरूरी है विद एवरी पासिंग डे विद एवरी पासिंग ईयर यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट प्रोसेस फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स यू नीड टू कम टू आर चैनल सब्सक्राइबर्स लिसन टू वट वी आर सींगली पीपल जो इस तरह की नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन इम्प्रोवाइज योर डिसीजन अकॉर्डिंगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो विनीत ने कही मैं उसको फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा ब्रेकिंग न्यूज की तरह True. आज आपने जो डिसीजन लिया और आज के पाँच साल बाद अगर आप उसका बिल्कुल विपरीत डिसीजन लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप पागल थे या अब आप पागल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि पहले आपकी समझ आपकी सूझ कुछ और कहती थी करने के लिए अब आपकी सूझ और समझ कुछ और थोड़ा सा अलग कहती है एकदम एकदम तो आगे बढ़ते हैं पुनीत क्योंकि हर पहलू पे इतने सारे पॉइंट्स हैं, हम चाहे तो दिन भर <laughs> चर्चा कर सकते हैं लेकिन हमें ये कंप्लीट करना है sure. और मैं नोट्स बना के लाया हूं आप भी नोट्स बना के लाए हमें कंप्लीट करना है सो जो पॉइंट है वो है नेवर एनफ ये था हमारा ब्रॉड थीम थी वेल्थ वर्सेस रिचेस तो वेल्थ वर्सेस रिचेस के अंदर में एक बहुत ही अहम पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे दैट नेवर इनफ इसे दो पहलू में समझेंगे एक कि हम जो खर्चे करते हैं ठीक है जो हम अपने स्क्रेशनरी एक्सपेंसेस करते हैं मान लीजिए गाड़ी खरीद रहे हैं कपड़े खरीद रहे हैं महंगे हॉलीडेज पे जा रहे हैं ये कभी भी इनफ नहीं होने वाला है राइट और दूसरे तरफ से देखें तो जो ग्रीड है अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकालने की जो ग्रीड है वो भी कभी एनफ नहीं होने वाली है आपको इसे एनफ करना पड़ेगा मतलब एनफ इज़ एनफ आपको बोलना पड़ेगा यानी आपके जो गोल पोस्ट्स हैं वो शिफ्ट होते नहीं रहने चाहिए अगर वो शिफ्ट होते रहेंगे और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पर्सनल फिनेंस में इंडिविजुअल्स के साथ कि हम जब मारुति 800 पे पहुंचते हैं तब हमारा गोल हो जाता है अब हमें होंडा सिटी खरीदनी है जब हम होंडा सिटी पे पहुंचते हैं तो हमारी शायद मर्सिडीज़ की गोल हो जाते हैं और मर्सिडीज पे पहुंच के शायद कुछ और तो कहने का मतलब ये जो मूविंग गोल पोस्ट हैं ये हमारे सेविंग्स को स्क्वीज करते हैं अगर हमारी इनकम उस रेट से नहीं बढ़ रही और हमारे पर्सनल एस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो इस विषय में सोचना पड़ेगा चलिए पुनीत आगे बढ़ते हैं तो इनफ इज इनफ या फिर <laughs> ये ये जो सेंटेंस है ये बहुत बार सुनने में मिलता है राइट और पैसे के मामले में ना हमें इसे दो पहलुओं में समझना है एक कि आप जो रिटर्न जेनरेट कर सकते हो सेविंग करके इन्वेस्टमेंट्स करके उसमें ना देर इज देर इज नो अपर लिमिट राइट तो आपको ये समझना पड़ेगा आप एक गोल सेट करें और वो हो जाए तो दैट इज इनफ नहीं तो क्या होगा आप हमेशा दुखी ही रहेंगे क्योंकि वही है ना इट्स नेवर इनफ वो ग्रीड जो है वो आपको हमेशा कहेगी अरे बारह परसेंट क्यों चौदह परसेंट चौदह परसेंट क्यों सोलह परसेंट तो आप रिस्की डिसीजंस लेंगे राइट right? तो इसे मैनेज करने के लिए आपको साइकोलॉजिकली क्योंकि हम यहां साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं आपको यह मान के चलना पड़ेगा दैट इनफ इज इनफ रादर देन नथिंग इज इनफ फॉर यू राइट पहली बात दूसरी बात जब हम खर्चे करते हैं राइट खर्चे करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए अपने एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि खर्चों का कोई अंत नहीं है राइट जो हमें बहुत बार सुनने को मिलता है आप कितना भी खर्चा कर सकते हो तो आपको अपने खर्चों को भी कंट्रोल रखना है और उसके लिए ये समझना है कि लाइफ को अपग्रेड करने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कर सकते हो और आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है अपने लिए और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल खर्चा मत करें आप अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करें वो उसको ऐसा नहीं कि जब आप गाड़ियां खरीदते खरीदते होंडा सिटी में पहुंचे तो अब आपका नेक्स्ट एस्पिरेशन मर्सिडीज हो जाए जबकि आप अभी शायद आपकी इनकम आपको वो अफोर्ड करने का नहीं यू कैनोट अफोर्ड दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो so, इस दो पहलू पे इनफ इज इनफ या फिर इस पाथ को उल्टे तरीके से देखें तो यू हैव टू गिव अप द हैबिट ऑफ नथिंग इज इनफ फॉर यू राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो परफेक्ट विन डी कोडिंग वट आई हैव हैर्न एज एज एजर्न वॉज सो वन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बींग माइजर एंड बींग एक्स्ट्रावेगेंट कंजूस और खर्चीला दो एक्सट्रीम हैं ट्रू करेक्ट यू हैव टू टेक अ अड वे मिड पाथ आपको शायद पहले अपनी सेविंग पे फोकस करना है वंस यू हैव सेन वट एवर मनी लेफ्ट वहां पे आपको कंजूसी नहीं करनी है सो right. so मुझे ऐसा लगता है दिस इज वॉट आई आई यूज टू फॉलो आई डू फॉलो प्लीज डू करेक्ट मी इफ साइकोलॉजी ऑफ मनी समथिंग एल्स सो वट आई से मैं टोटल थॉट प्रोसेस को तीन चार पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ hmm. पहला सबसे पहला चीज व्हाट माय नेसेसिटी ऑफ एक्सपेंसेस। दैट ऑलवेज कम्स फर्स्ट विच इज नेसेसिटी मतलब जिसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ जो मेरी मौजूदा नीड है दैट कुड भी बच्चों की स्कूल फीस दैट कुड बी मेरा ऑफिस जाने तक का खर्चा दैट कुड बी मेरा खाने पीने का खर्चा और मेरी फैमिली का खर्चा करेक्ट उसको आप नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं सो दिस इज माय नेसेसिटी जो सबसे पहले आप जो भी अर्न करते हो उसमें hmm. से आप अपनी नेसेसिटी घटाते हैं देन द बी इज द सेविंग व्हाटएवर यू वांट टू रीच एट आपका True. जो भी गोल है hmm. उसके लिए आप जो भी सेव कर सकते हो आप उसे सेव करते हो True. उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है दैट आई ट्रेंड टू इन टू स्पेंड इन माय लग्जरी इस बार हम क्या चीज खर्च कर सकते हैं hmm. इस बार हम क्या लेके आ सकते हैं सो दिस इज मोर इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा वेगेंसी एंड माइजर के बीच का डिफरेंस पुनीत इसी बात को मैं एक थोड़ा सा मैथमेटिकली पुट करना चाहूंगा आपने बहुत अच्छे से इसे समझाया तो डिस्क्रिप्शनरी yeah. एक्सपेंसिस नॉन डिस्क्रिश्शनरी एक्सपेंसिज नॉन डिस्क्रिश्नरी वो हो गया जिसपे मेरा कोई बस नहीं चलता जैसे कि मुझे जो खाना खाना है या जो रेंट देनी है बच्चों की स्कूल की फीस देनी है उसको आप बजट कर लें राइट ये तो खर्चे होने ही होने हैं सेकेंड हो गए डिस्क्रिप्शनरी एक्सपेंडिचर्स डिस्क्रिप्शनरी एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो शायद आप ना करें तो भी चलता है जैसे आपका ट्रैवल आपके महंगी गाड़ी खरीदने का ख्वाब और इस तरह के सारे खर्चे ये है नॉन डिस्क्रिप्शनरी एक्सपेंडिचर्स दिक्कत क्या होती है आदमी डिस्क्रिप्शन नॉन डिस्क्रिप्शनरी के बाद सीधा डिस्क्रिप्शनरी पे आ जाता है आपने जो बहुत अच्छा काम किया कि बीच में सेविंग्स वाले वकेट को ले आए कि आपको पहले सेविंग्स करनी है देखिए नेसेसरी खर्चे जो हैं वो तो करने ही पड़ेंगे फिर पहले सेविंग्स करें राइट बहुत लोग बोलते हैं पहले सेविंग करो फिर जो आए खर्चा करो उसमें क्या होता है नॉन डिस्क्रिप्शनरी में भी कट डाउन होने लगता है तो आप बैलेंस्ड नहीं रहते शायद आप बच्चों को खराब स्कूल में भेजने लग जाए मैं नहीं बोल रहा आप करेंगे बट कुछ लोग हैं जो शायद इस हद तक चले जाए हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहे कि आप उस हद तक जाए तो नॉन डिस्क्रिशनरी का बजट बना लें फिर सेविंग्स का बजट बनाएं फिर कुछ बचता है या फिर ऐसे सोच लें कि आपको कोई मन है कि कुछ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर करने का अच्छी गाड़ी खरीदने का तो रादर देन टेकिंग अ लोन फॉर दैट क्योंकि आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं आपने सारे इन दो बकेट्स में डाल दिए तो लोग क्या करते हैं लोन ले लेते हैं और वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को हमेशा वो समझते हैं जो शायद कोई भी बैंक उन्हें लोन देने को तैयार है अरे बैंक लोन देने को तैयार है बट आपकी तैयारी है कि नहीं है आपको समझना पड़ेगा तो आप लोन लेके खरीदने की जगह कम से कम ये तो कर सकते हैं कि अपनी ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा डिले कर दें राइट कुछ सेविंग डिस्क्रिशनरी के लिए भी करते रहें तो आज आपको जो खरीदना है उसे आज ही खुशी मिले उसकी जगह ये कर लें कि मैं दस महीने बाद भी ये खुशी मिले तो चलेगा और मैं पचास पचास हजार करके पांच लाख रुपए दस महीने में सेव करूंगा तो शायद पूरा इक्वेशन ही बदल जाएगा आपके लाइफ में लोन्स नहीं आएंगे तो ये perfect, perfect. And never enough का जो दूसरा पार्ट विनीत आपने समझाया उसमें बहुत ज़्यादा क्या है बट पैसा पैसा बनाता है, पैसा पैसा एक limit तक बनाता है। अगर आप उसके अंदर बे पैसा बनाने की कोशिश करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न लेने की कोशिश करें तो कई बार वो फायर भी कर जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए वट इज द राइट रिटर्न यू शुड सीक Absolutely. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ रिटर्न के झांसे में आके hmm. या उसको खुद से प्लान करके hmm. जो आपने बहुत मेहनत से पूंजी कमाई है आप उसे लूज कर दें आपने बहुत अच्छे पॉइंट पे एंड किया क्योंकि यहां से मेरा जो दूसरा पॉइंट है अंडर द थीम ऑफ रिच वर्सेस वेल्दी वो आ जाता है और वो है गेटिंग वेल्दी वर्सेज स्टेइंगेटिंग वेल्दी है कि हमें पैसा कमा रहा हूँ सेव कर रहा हूँ मेरे पास एक पूंजी क्रिएट हो गई है एसेट्स क्रिएट हो गए है, ये है गेटिंग वेल्दी राइट बट स्टेइंग वेल्दी इज वेरी डिफरेंट आर्ट वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस अब आप ये समझें कि अमीर तो बहुत लोग हो जाते हैं लेकिन Correct. हमने देखा है कि एक ही लाइफ टाइम में लोग अमीर भी होते हैं और वापस भी बहुत एवरेज पे पहुंच जाते हैं करेक्ट क्योंकि ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं और इनमें जो स्किल सेट चाहिए वो भी शायद यू नो डायगनली ऑपोजिट है एक दूसरे के जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत पैसा कमाया उसके लिए आपको रिस्क लेनी पड़ेगी लाइफ में तो आप रिस्क टेकिंग हैं आप एडवेंचरस हैं एंथुजियास्टिक हैं बहुत हार्ड वर्किंग है ये सब कुछ है लेकिन पैसे को संजो के रखना है वो ख़त्म ना हो जाए इसके लिए आपको क्या करना है रिस्क एवर्स होना जरूरी है कुछ हद तक आपको ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना अपने पैसे के साथ कि चलो मैं एक ये ये पैसा है इसे मैं कैसीनो में जाके ट्राई करता हूँ दस गुना करने का या फिर मैं इसे मुझे ऑप्शन बिल्कुल नहीं समझ में आता फिर भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके इसे चार गुना करने की कोशिश करता हूँ ये एडवेंचर जो है जो आपने अपने बिजनेस में बहुत सारे इनोवेशन किए रिस्क लिया चला उससे पैसा बना पैसा बनाने के स्किल से ठीक थे लेकिन जैसे ही पैसा संजो के रखने की बात है पूरा का पूरा आपको चेंज होना पड़ेगा रिस्क कम लेनी है एडवेंचर कम करने हैं और उस पैसे को संजो के रखना है तो इसका एक दूसरा वे समझने का भी है अभी हमने आपको समझाया था एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच में डिफरेंस से एक्टिव इनकम जिसमें आप खुद से इन्वॉल्व हैं जब आप खुद से इन्वॉल्व होते हो और आप रिस्क लेते हो तो आप उसको माइक्रो मैनेज कर सकते हो आप उसको लास्ट माइल तक कनेक्ट कर सकते हो जब आपकी पैसिव इनकम होती है तो आप खुद से नहीं देख रहे होते हो तो पैसा पैसे से बना रहा हो जब पैसा पैसे से बना रहा होता है और गलती से कोई गलत राह पे जा रहा होता है तो कई बार आप डिसीजन नहीं ले पाते हो आप उसको रोक नहीं पाते हो सो hmm. so जब भी आप पैसिव इनकम पे जाओ तो आपको मॉडरेट रिटर्न पे फोकस करना चाहिए जब hmm. आप एक्टिव इनकम पे जा रहे हैं बिकॉज आप खुद इन्वॉल्व हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद डिसीजन ले सकते हैं तब आप थोड़ा एडवेंचरस भी हो जाओगे ना दोस्तों तो इट्स ओके okay. और एक और एग्जाम्पल देता हूं अगर ट्रेडर रिस्क लेता है बिकॉज hmm. hmm. वो एक्टिवली उसको

वोलेटिलिटी ज्यादा होगी अनसर्टनिटी ज्यादा होगी कभी ज्यादा पैसे बनेंगे कभी कम पैसे बनेंगे या कभी पैसे लगेंगे भी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे ही अगर आपने ठीक ठाक शेयर्स में इन्वेस्ट किया अच्छा उसी उसी थॉट प्रोसेस से एक और चीज कहना चाहता हूं कि बहुत एक्टिवली पैसे को मैनेज करना अगर आपकी स्किल सेट नहीं है तो आपको क्या होता है ना कि मैं कुछ करूंगा ये एक पैराडॉक्स है ये एक बायस है हमारे अंदर कि मैं कुछ करूंगा नहीं तो होगा कैसे करेक्ट जबकि पैसे को मैनेज करना कुछ नहीं करना ही है जैसे वॉरेन बफे ने एक बार कहा था इट्स लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो और वॉचिंग पेंट गेट ड्राई आप उसे देख के भी कुछ नहीं कर सकते हो तो अपनी स्पीड से ग्रास को ग्रो करते हुए देखोगे तो उसमें कोई मदद नहीं मिलनी है और शायद आप देखते रहोगे तो उसको देखने की भी जरूरत नहीं है असली पैसा कमाने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग नीड्स टू किक इन फ्रॉम योर पैसिव इनकम राइट right? इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जो है वो लगाएंगे एक्टिव इनकम जनरेशन में और पैसिव इनकम में आपके कुछ फंडे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको कम एक्टिवली मैनेज करना है जितना एक्टिवली आप करेंगे या तो आप ट्रेडर बन जाएं तब आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम ही वो हो गई है sure. इसे बहुत अलग अलग करके देख के समझने की जरूरत है लोग इसे मिक्स कर देते हैं कम राइट वो नहीं करना है अपने को एक और पॉइंट है इसमें कि जितना आप अपने जब, जब मैंने कहा कि आपको इनफ enough इसफ enough, बोलना पड़ेगा अपने खर्चों को तो जो पोजिशन्स आपके पास होते हैं या जो गाड़ियाँ आपके पास हैं महंगे कपड़े आपके पास हैं इससे जितने प्रभावित आप खुद हो रहे हैं ना शायद उतने प्रभावित लोग नहीं हो रहे हैं। तो लोग क्या है अपने अपने अराउंड जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उनको लगता है मैं कितने अच्छे कपड़े पहनूंगा ये करूंगा तो उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे ऐसा नहीं है अगर वो प्रभावित भी हो रहे हैं ना पुनीत तो वो उस गाड़ी से प्रभावित हो रहे हैं आपसे नहीं आपको ये समझना पड़ेगा आप अलग हैं और आपकी गाड़ी अलग है देखिए हम एक सोसाइटल सिग्नल पास करते हैं कि मैं ये गाड़ी में राइड करता हूँ और वो जरूरी भी है आपके स्टेटस के हिसाब से राइट लेकिन इसके बियॉन्ड उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है आप अगर पांच गाड़ियां रख के आप सोच रहे हैं कि आप कोई अलग ही सिग्नल पास कर रहे हैं ऐसा नहीं है देर इज अ सेम दैट द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू शो पीपल दैट यू आर रिच ग्राइट तो अगर आप दिखावा करने के लिए करते हैं मेरा पॉइंट यह है तो कुछ भी इनफ नहीं होगा तो पैसे की नुमाइश जिसे कहते हैं वो ना करें ये साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत बार समझाया गया इस वजह से तो विनीत इसमें हमने पहले भी बहुत बार सुना है दैट इज एवरी मनी सेव और एवरी मनी नॉट स्पेंड इज मनी सेव्ड uh, करेक्ट आप जो भी खर्चा बचा सकते हो हुँ. वो आपकी सेविंग ही है और आपको वेल्थ एक्यूमलेट करने में हेल्प करने वाला है, करेक्ट? अगेन जो हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया योर डिस्क्रिशनरी स्पेंड शुड बी इक्वल टू योर अर्निंग माइनस योर नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड माइनस द सेविंग्स्यू एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड हैज टू बी लेजिटिमेट अब ये उस क्वेश्चन का हम एक और एडवांस वर्जन बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे hmm. कि ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड के लिए पैसा बच जाता है hmm. आपने सेविंग अपनी कंपेरेटिवली जो आपने थॉट बनाया था वो कर ली तो आप सारा पैसा खर्च कर दो hmm. उसमें भी आप सोच सकते हो डू आई रियली नीड अ सेकेंड कार डू आई रियली नीड अ सेकेंड होम डू आई रियली नीड टू फिल इन मोर क्लोथ इन माई वॉर्ड्रोब जहां पे जगह ही नहीं है Absolutely. जहां पे जरूरत ही नहीं है या मैं उस पैसे का कुछ बेटर यूज कर सकता हूँ hmm. hmm. uh, क्या होता ना कि कुछ uh, कुछ और चीज़ें टच करते हैं जैसे अपरिग्रह ये जैनिज्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है शायद पहले हमने किसी और सिद्धांत के बारे में जैनिज्म की बात की थी एक प्रीवियस वीडियो में अपरिग्रह का मतलब होता है आप चीज़ों को अटैच ना हो चीज़ों से ठीक है पोजिशंस को अटैच होने से क्या होता है आपके डिजायर्स बढ़ते जाते हैं तो आप लाइफ में चीज़ों को लाएँ लेकिन डिटैच रहें राइट तो आपको ना चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपने कहा और एक और चीज समझना है कि वेल्थ क्या है जो हम वेल्थ की बात कर रहे थे अगर बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी पीपल डोंट सी राइट जो आपने घड़ी पहन रखी है वो अगर मान लीजिए पचास हजार की है मैं उसे देख पा रहा हूँ दैट्स नॉट दी वेल्थ बिकॉज ये तो आपने खर्च कर दिया इट्स योर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस इट्स नॉट एडिंग टू योर एसेट्स इट्स नॉट गोइंग टू मेक मोर मनी फॉर यू

सोसाइटल इंपैक्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका एसेट नहीं है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो विनेत ने रखा मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ दो पार्ट्स में बाई कीजिए मनी मेकिंग एसेट्स एसेट्स एंड एक्सपेंस बैलेंस शीट में आपके डॉट में हमारे को ये सिखाया जाता है इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन में एसेट हर वो चीज़ जो आपको ज्यादा लंबे तक तो सर्व करता है वो एसेट हो जाता है बट वट विनीत इज ट्राइंग टू से इज एसेट दो तरीके के हैं एक फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग खरीदी जिसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया hmm. और अब आपको पैसे hmm. गाड़ी खरीदी और आपने घर पे ही छोड़ दी hmm. 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 तो आपका वो एक्सपेंस एसेट है इट इज वेरी 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 इम्पेरेटिव एंड इम्पॉर्टेंट कि आप धीरे 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 अपना स्पेंड मनी मेकिंग एसेट्स की तरफ लेके जाए और इसको आप एक और पहलू है इसका कि अप्रिशिएटिंग एसेट्स एसेट्स और जिस एसेट की ओवर टाइम वैल्यू बढ़ती है आप आप सिर्फ उसे ही एसेट माने आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं लैंड है। खरीद रहे हैं आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं स्टॉक्स खरीद रहे हैं ये सब ओवर टाइम बढ़ेंगे करेक्ट आपको कैपिटल अप्रिशिएशन होगा या फिर एक रेगुलर इनकम क्रिएट होगी या फिर दोनों होंगे लेकिन वो खर्चे जिसे आप इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं जो ना आपको रिटर्न दे रहे हैं ना कैपिटल में अप्रिशिएट हो रहे हैं

वो अयासी जो आपने नहीं की वो पैसे जो आपने नहीं उड़ाए वो बनते हैं एसेट्स क्योंकि वो लोगों को दिखते नहीं है क्यों क्योंकि उससे आप खरीदेंगे ऐसा कोई एसेट जो आपको पैसे कमा सो वेल्थ इज द समेशन ऑफ दिशिएटिंग मनी मेकिंग एसेट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एप्सोल्यूटेक्ट इसमें एक दो पहलू और आते हैं वो ये है कि आ, हमें बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं होना है हमें बैलेंस्ड लाइफ अप्रोच करना है बट जो पैसे को संजो के रखते हैं मैंने ऐसे देखा है मारवाड़ियों में गुजरातियों में जो दो दो सौ चाल जिनके पास पैसे रहे जिन परिवारों के पास वो ना कहीं ना कहीं कुछ हद तक पैसे को ले पैरानॉइड होते थे पैरानॉइड मतलब इस हद तक उनका जुनून रहता था पैसे बचाने में क्योंकि वो अगली जनरेशन को वो पास करना चाहते तो आपको उनसे ये सीखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो पैरानोया भी ज़रूरी है वो जोश भी जरूरी है पैसे को बचाने में और बढ़ाने में क्यों क्योंकि इतनी इतना आकर्षण है चारों तरफ आप अच्छी घड़ी खरीदें लाखों रुपए में आएगी अच्छे कपड़े खरीदें अच्छी किताबें खरीदें किताबें तो चलिए ऐसे बट और बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि किताबें आपको ग्रो करा रही है तो उसको एक बार अलग रखते हैं बट ऐसे बहुत खर्चे हैं जो आपको आकर्षित करते हैं कि आप एक्सपेंडिचर्स करें लैपटॉप है आप पच्चीस तीस चालीस का भी ला सकते हैं डेढ़ दो लाख का भी ला सकते हैं तो ये डिसीजन लेना राइट तो कहीं ना कहीं वो पैरानोया जो जो है वो भी आपको हेल्प करेगा वो एक थोड़ा सा एक्सट्रीम है लेकिन वो हेल्प करता है वेल्थ को प्रिजर्व करने में तो बस ये एक दो पहलू थे